दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर गांव मेहरायपुर। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों से बातचीत करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं कि उन योजनाओं के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं और उनका कितना लाभ ले पा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज चौपाल चर्चा की पूरी टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मेहरायपुर गाँव में। तो फिर आइए देर किस बात की, गाँव के अंदर चलते हैं। गांव में आ पहुंचे हैं और आइए कार्यक्रम में जो चर्चा है उसकी शुरुआत करते हैं। बहुत से किसान भाई हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, एक एक करके उनसे बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं कि सरकारी योजनाओं को कितना समझ पा रहे हैं, कितना जान पा रहे हैं, कितना उनसे लाभ ले पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत से किसान भाई मौजूद हैं, तो आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सबसे पहले अपना नाम और गाँव का नाम बताइए। अमरेंद्र त्यागी, गाँव में रायपुर, ब्लॉक पुरकाजी, तहसील सदर, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। जी, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है और आप लोग किस तरह से उसका लाभ ले पा रहे हैं, क्या यहाँ पर गांव में सभी के पास या ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास किसान क्रेडिट कार्ड? ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है जी। किसान क्रेडिट कार्ड मैंने यहाँ बैंक पढ़ता, पंजाब नेशनल बैंक, SBI और सर्व UP ग्रामीण बैंक। ज्यादातर लोगों ने सब नहीं अपने क्रेडिट कार्ड बना रखे हैं और अपनी खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह से इस्तेमाल करते हैं भाई? किसी ने जैसा कृषि यंत्र वे ले लिए, कोई और समस्या आ किसी की, अपना 2 रुपए का काम भी शुरू कर लिया उसे लेकर और अपना सब टाइम पर लेन देन कर रहे हैं। इसमें एक समस्या है मैडम, ये जो जब जमा करने का नंबर आ हुआ 1 साल में, तो ये क्या कहते हैं, जैसा हमने 5 लाख का क्रेडिट कार्ड बनवा लिया तो आप 5 के 5 लाख रुपए जमा करो प्लस ब्याज। हम ये चाहें कि इसमें हमें इतनी छूट मिले, हम ब्याज जमा कर दें साल भर में, पैसा ना हमें जमा करना पड़े, पैसा हम 5 ही साल में जमा कर दें इसका, तो ब्याज की वो मिल जाए हमें कि हर साल ब्याज अपना आप जमा करते रहो। बिल्कुल, तो ये तो इन्होंने अपनी बात रखी आगे, लेकिन और भी जो किसान भाई हैं हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले अपना नाम बताएं और अपने गांव। विजय त्यागी, मारायपुर। किसान क्रेडिट कार्ड की अगर मैं आपसे बात करूं तो किस तरह से आप उसका उपयोग कर पा रहे हैं? कार्ड का तो यो है, हमें सबसे बड़ी तो भाई अपने सामान के लिए चाहिए, लेकिन हमें जो है साल भर में ब्याज होना चाहिए। ये क्या है, ये जमा करवाऊँ जो हमने 5 का 10 का, लेकिन किसान पर नहीं उपलब्ध हो पाता, चाहे मतलब कांटे की वजह से हो या पेमेंट नहीं होता हमारा। भाई पेमेंट हमारा इकट्ठा दें तो हम भी इकट्ठा दे दें। अब ये क्या है, 8-8 दिन का पैसा जो है हमारा जमा कर वो करा, तो इसलिए हमारे मुश्किल हो जाओ। बिल्कुल, तो आइए यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और कुछ और जो किसान भाई हैं हमारे उनसे बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी मैं, यहाँ पे खड़े हो जाए अपने स्थान पर, अपना नाम बताइए। राजवीर शर्मा है जी। आप कौन से गांव से? मैं रायपुर से जी। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? किसान क्रेडिट तो ठीक है सर, परंतु इसमें यही है बस प्रॉब्लम है कि ब्याज जमा कर ले 1 साल का, आगे को सुविधा मिल जाए किसान को, वो फिर अगले साल जमा कर देगा। तो आपको लगता है कि योजना कैसी है? योजना अच्छी है, योजना में कोई दिक्कत नहीं। जब सरकार कोई नई योजना लागू करती है, कोई नई योजना किसानों के लिए लेकर आती है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं होती है आप लोगों की, क्या सोचते हैं आप लोग उस टाइम पर? ये सोच तो बढ़िया है जी, अच्छी सरकार तो बढ़िया ही सोच रही, परंतु उसका लाभ नहीं मिल पा रहा किसान को पूरी तरह से, जो है वो लाभ नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, तो कुछ कहना चाहेंगे सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से? ठीक है, सरकार पहल बढ़िया कर रही है, अगर किसान को कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है, इसका सम्मान है। बिल्कुल, और आप अपने जगह जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो किसान हैं कुछ समस्याएं हैं उनकी और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है वो समाधान भी चाहते हैं। आप क्या बताएंगे इसके बारे में? सबसे पहले अपना नाम बताएं, अपने गाँव का नाम बताएं। नाम देवेश कुमारी, ग्राम मैनपुर जी। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में? कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है जी, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है जी, जब
मिल वाले हमें टाइम पर पैसा नहीं देते तो हम विद इन वन ईयर कैसे जमा करो सर। सरकार से यही रिक्वेस्ट है केवल ब्याज ब्याज जमा करवा लो, मूल जो राशि है वो 5 साल में जमा करवाओ। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। प्रोग्राम में टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे।
किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो एक और किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए सबसे पहले उनका नाम जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं, कौन से गांव? मेरा नाम अभिलाष त्यागी, ग्राम मैरायपुर, जिला मुजफ्फरनगर। अभिलाष जी क्या करते हैं आप? मेरा अभी खेती में ही है और कुछ नया काम। और मैं हार्दिक दिल से डीडी किसान चैनल को अपना धन्यवाद देना चाहूंगा समस्त ग्रामवासियों की ओर से। आपके माध्यम से हम अपनी परेशानियां एक मंच पर रख रहे हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या कर रखा है इन्होंने, किसान की भी सिविल निकालते हैं। मैं मानता हूँ किसान की सिविल नहीं निकालनी चाहिए। कारण है, किसान के पास जो इनकम है गन्ने की, अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो गन्ने का पेमेंट सही टाइम पे नहीं आता, तो उसमें आपकी सिविल खराब हो जाती है रोज की रोज। इनका मानना यह है, बैंक वालों की जो प्रक्रिया है उनका मानना यह है कि हमें हर महीने ब्याज और पैसा दो। इन्हें किसान भाइयों को नहीं पता, इन्हें तो बस ये पता कि आपको हर साल पैसा जमा देना और ब्याज देना। नहीं, गलत है। उन्हें यह है, उन्हें हर महीने ब्याज और पैसा चाहिए, तब आपकी सिविल ठीक रहेगी। आपकी सिविल खराब होने की वजह से आप अदर बैंक में या अदर कुछ भी आप लोन लेना चाहो, आपको लोन नहीं मिल सकता। सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, सिर्फ अधिकारियों को अगर टाइट और सही तरीके से मैनेज किया जाए तो ये किसानों की जो बदहाली है तो ये इसमें कुछ ना कुछ कुछ स्तर तक सुधार लाया जा सकता है। बिल्कुल, तो बहुत एकदम सटीक जो है उन्होंने अपनी बात रखी है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। बाबूजी आप अपना नाम बताइए। ब्रजपाल त्यागी, मैरायपुर जी। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं, मजबूरी में बनवा रहे हैं। अगर बनवाने की जरूरत ही ना पड़ती ना तो बनवाते ही ना, जरूरत थी इनकी बनवाए। अब अपने कोई जमीन बेच रहा, कोई जेवर बेच रहा, अपना दे रहे हैं सरकार को। बिल्कुल। तो एक किसान भाई और हैं, आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अपना नाम बताएं, गांव का नाम बताएं। मेरा नाम सतीश त्यागी, गांव मैरायपुर जी। अगर हम किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें, किसान क्रेडिट ठीक है, गवर्नमेंट की जो है किसानों को थोड़ा बहुत इधर उधर से ना पैसा लेकर चलो बैंक से मिल जाता है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वो इंटरेस्ट वाली बात है, नया पेमेंट साल भर में हुआ नहीं, वहाँ जमा करना है तो कैसे करेंगे? तो इसका यह है कि भाई चलो इंटरेस्ट ही जमा हो जाए, बाद में पेमेंट हो जाए इसका, तो इसमें थोड़ा गवर्नमेंट को सुधार करना चाहिए। बिल्कुल, तो हम कोशिश तो हमारी भी पूरी यही है कि हम इसी तरीके के तरीके से जो है वो गांव-गांव जाएं और जो हमारे किसान हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में वो क्या जानकारी रखते हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या सुझाव उनके हैं सरकार के लिए और किस तरह के समाधान वो चाहते हैं, तमाम ये बातें जो है वो हम आगे तक पहुँचाएं। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा, जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमों एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सकें। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथा आवश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें।
इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है। हुँ? अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम इकदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की, मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो, बात बहुत है काम की कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में, तो फिर आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अधिकारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनके साथ बातचीत करते हैं। सर, किसान क्रेडिट कार्ड को भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे आपसे, क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसानों को किस तरह से? किसान क्रेडिट कार्ड का ऐसा है कि विभिन्न फसलों के जो उत्पादन लागत है वो जो है देखी जाती है जनपद की, कि कितनी लागत एक हेक्टर क्षेत्रफल में किस फसल पर आ रही है, धान है, गेहूँ है, गन्ना है या उद्यानिक फसलें, सभी का उत्पादन लागत देखी जाती है, उसी आधार पर सिद्ध होता है कि हर जनपद की जो हमारी उत्पादन लागत है अलग अलग हो सकती है, क्योंकि कहीं पानी कम ज़्यादा गहराई पर है, कम कहीं पानी कम गहराई पर है, और हो सकता है किसान के पास उस तरह की सुविधा भी कम हो, तो लागत हर जनपद की अलग अलग हो सकती है परिस्थिति के अनुसार। तो उत्पादन लागत के हिसाब से
किसान क्रेडिट कार्ड के जो है नॉर्म्स डिसाइड हैं और इसकी साल में एक बार 31 मार्च के बाद में इसकी बैठक होती है बैंक के साथ में, सभी डिपार्टमेंट बैठते हैं और किसानों से भी राय ली जाती है कि उत्पादन लागत उनकी कितनी है, उसी आधार पर इसका फिक्सन होता है। तो आइए यहाँ पर भी हमारे किसान भाई मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगी सबसे पहले। मेरा नाम सुगन चंद है जी। मैं मेहरापुर का रहने वाला हूँ जी। और खेती करवा रहा हूँ मैं, तो मुझे ये कहना है जी, SBI में मैं 2-4 आदमियों को जो लोन दिलवाया और अपने आप भी लिया, तो उन्होंने कहा भाई अब इसमें वो लगेगा इंस्पेक्शन चार्ज। भाई ऐसा क्या इंस्पेक्शन चार्ज कर रहे हैं आप, ये इंस्पेक्शन चार्ज भी एक किस्म का ब्याज ही होगा हमारे लिए तो, और वो इतना हो रहा है मेरे ख्याल से, वो भी कई हजार है, तो कहाँ तक देगा वो। चलिए अब मैं चाहूंगी आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। अच्छा, आपकी जो जो रिक्वेस्ट थी वो हमने बिल्कुल यहाँ पर आगे बिल्कुल पहुँचाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे उसकी। और आप क्या बताना चाहेंगे, अपना नाम बताइए। राकेश त्यागी जी, मैं रायपुर बुका जी बोलो मुझे फोन नंबर। मेरा ये कहने का क्रेडिट कार्ड के ऊपर बोल रहा मैं थोड़ा, जैसे 3 लाख रुपए से ऊपर चलता तो गवर्नमेंट ने इसका ब्याज दुना कर दिया, 13% कर दिया, 17 कर दिया, 14 कर दिया। इस ब्याज को किसान झेल नहीं सकता। ये इस मुद्दे को बहुत ही ध्यान से ऊपर तक पहुँचाओ। इसमें अगर यह सुविधा मिल जाए किसान को, वो हर साल ही किस्त वाइज जमा कर दे, अगर एकदम उन पर जमा करने की आमदनी होती तो मैं हो सके इस तरफ को कदम ना बढ़ाते कृषि कार्ड की तरफ को। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो 3 लाख से ऊपर चल कर इतना ब्याज का वजन रख दिया किसान पर कि उसे नहीं पूरा कर सकता, और जरूरत के अनुसार उठाना पड़े, ये तो काम नहीं कर सकता किसान जी। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे मैं बात करना चाहूंगी। अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम सोमपाल कश्यप, ग्राम महरेपुर जी। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में ये सलाह है जी के किसान का पेमेंट अगर एकदम से आ जाए तो वो किसान क्रेडिट कार्ड टाइम पर जमा कर सकता है, लेकिन जब पैसा ही नहीं दे रहे, मिल मालिक पैसा दबाओ बैठे हैं, तो उसका कहाँ किसान कहाँ जमा कर देगा, क्या बेचेगा वो। बिल्कुल, तो अपने आज के कार्यक्रम में हमने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जाना, किसान उसका कितना लाभ ले पा रहे हैं, उनकी कितनी शिकायतें हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, किस तरह के किसान सुझाव दे रहे हैं सरकार को और कैसा समाधान चाहते हैं, तमाम बातों पर आज हमने जो है कार्यक्रम में चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि किसानों की जो बातें हैं वो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आगे तक ज़रूर पहुँचें। तो हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही, अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। मजबूत